से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी गोविंदा यज्ञसेन है। क्या घटना हुई थी आपको यहाँ पर? कल दो लड़के थे, उनको पीछे बहुत 3-6 लड़के थे जो दौड़ाए चाकू लेके सामान लेके मोहल्ले में 6-7 लड़के घुसे, 2 लड़के को वार किया गया है, सबके सामने हादसा हुआ है और कोई यहाँ पे ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस वाले को एफ आई आर भी किया, उस पर भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। हम लोग को बस इतना ही है, खुलेआम यहाँ पे लुक्खागिरी गुंडागिरी सब खुलेआम लड़के घुस जाते हैं, किसी घर में घुस के तोड़फाड़ करते हैं, आए दिन सबके घर में ऐसा होता है, कोई एक्शन लेते नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। ये लालू जो गैंग है ना, इसको बंद करना चाहिए, पुलिस वालों को बड़ा एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। आए दिन किसी घर में माँ बहन है सबके घर में लोग घुस जाते हैं, उन लोग को किसी का डर नहीं, ना पुलिस वालों का ना किसी का, इससे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। आई थिंक मुझे हिसाब से लगता है कि यहाँ पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए सबको। आपके साथ में और किसने क्या देखा है? सब लोग मोहल्ले वाले सब देखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नायरा आशीष भाई। क्या हुआ था गई से, क्या घटना हुई? कल ये सब मतलब जब हुआ तो ये लोग मतलब 3-4 राउंड मारे मतलब बाइक पे थे, तो ये लोग मेरे पास भाग के आए ये दोनों लड़के, तो इन लोग को बहुत चोट लगी हुई थी, तो ये लोग आए, इन लोग को मैंने छिपा दिया। वो लोग आए तोड़ताड़ करने लगे, मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगे, मेरे को बोला तुझे मार दूंगा जान से, तेरे बच्चे को मार दूंगा, हमारे घर के 2 बच्चे भी थे और बच्चों को भी डराया धमकाया मार दूंगी ऐसे करके बोला कि हम लोग भी डर गए। फिर उसके बाद हम लोग गए, फिर हम लोग ने नॉर्मल उन लोग ने FIR दर्ज किए, मतलब इसके ऊपर कोई भी मतलब आज नहीं कई बार हो गया है, आज से पहले कई बार लोग आए हैं ऐसे रात में दिन में कभी भी आते थे ये लोग, मतलब ऐसे ही मतलब तोड़ ताड़ करते थे, आवाज़ मतलब हल्ला हल्ली करते थे, तो हम लोग तब भी हम लोग ने किया था FIR दर्ज, मतलब इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया था। तो कल भी हम लोग गए हैं लेकिन नॉर्मल वो लोग FIR दर्ज किए हैं, लेकिन इस पर मतलब कुछ मतलब मेरे को नहीं दिख रहा है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग यही है मतलब ये चैनल के माध्यम से कि मेरे को मतलब न्याय मिले। मैं एक मेरी बेटी है छोटी सी, रात के टाइम पे मैं अकेले ही रहती हूँ, तो ये लोग कभी भी आते हैं ऐसे मेरे को जान का खतरा है। मैं ये चैनल से मतलब यही अपील करना चाहती हूँ, मेरे को मतलब इस केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, न्याय मिलना चाहिए। मतलब आज के बाद अगर कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी पुलिस वालों की बनेगी, मेरी या मेरी बेटी की सब जिम्मेदारी। अगर उन लोग की तरफ से कोई भी आगे से आवाज़ आती है या उन लोग कुछ भी करते हैं, मेरी जान का मेरी बेटी की जान का उन लोग पे जिम्मेदारी।